Good morning, everybody. Today, number six, number seven, and eight. तीन लेसन अपने वीडियो में लेंगे. फर्स्ट जो सिक्स है ये है द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स हमने सुना होगा, गेम से संबंधित है. और आप सबको मालूम होना होगा कि अभी कल ही 23 जुलाई से जापान में ये ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ है. तो इससे पहला है द वर्ल्ड ओलंपिक गेम. द ओरिजिन ऑफ द ओलंपिक गेम लाइज इन एंशिएंट ग्रीस वेयर फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर हेल्ड इन ओलंपिया. जो पुराना ग्रीस है, एवरी फोर ईयर्स फ्रॉम 776 BC टू 393 BC. एंशियंट टाइम में ये ग्रीस में शुरुआत हुई थी इसकी. और इसमें इन 1894 ए फ्रेंच मैन बैरन पेरी डू कोबेरिन कोबेरटिन ट्राइड टू रिवाइव देम. उसको उसने और नया करा. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके प्रयत्नों के द्वारा द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस. जो मॉडर्न ओलंपिक बोलेंगे वो उसकी शुरुआत हुई 1896 में एथेंस में. द कैपिटल ऑफ ग्रीस आफ्टर दैट दिस फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स इज हेल्ड एवरी फोर ईयर. इसके बाद से हर चार साल में ये इसका आयोजन होता है. और अभी फिलहाल कल से ही 23 डेट से ओलंपिक जो है जापान में स्टार्ट हुआ है. ओलंपिक फ्लेम का क्या है? तो द ओलंपिक फ्लेम इज कैरिड फ्रॉम ग्रीस बाय एथेंस टू द कंट्री वेयर द ओलंपिक गेम आर हेल्ड. द फ्लेम इज लिट एंड कैप बर्निंग टिल द फेस्टिवल एंड. ओवर 11,000 एथलेट्स फ्रॉम 190 कंट्रीज टेक पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड कंपटीशन. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एन एथलेट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम. ओलंपिक गेम दुनिया का मान लो सबसे बड़ा अगर गेम का आयोजन है तो वो ओलंपिक है. और उसका फ्लेम जो है वो जहाँ पे होता है वो फ्लेम वहाँ पे जाती है और जब तक गेम पूरी नहीं तब तक वो जलती रहती है. उसके बाद द ओलंपिक फ्लैग, उसमें 5 रिंग है वाइट कपड़े में. द ओलंपिक फ्लैग कंप्राइजेस 5 इंटरलिंकिंग रिंग्स ऑफ ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड. द फ्लैग हैज़ वाइट बैकग्राउंड एंड दिस 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द सिंबल ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स. 5 खंड जो है 5 कॉन्टिनेंट्स का है, सिंबल है. तो ये ओलंपिक के बारे में जो मूलभूत जानकारी है, उसका फ्लैग क्या है, फ्लैग पे जो रिंग बनी हुई है वो क्या है, 5 कॉन्टिनेंट्स का सिंबल है उसका फ्लैग जो है, और फ्लेम जो है वो जब से शुरुआत हुई वहाँ से जब भी दूसरी कंट्री में होता है वो फ्लेम वहाँ से वहाँ जाती है और गेम के अंत तक जलती रहती है. फिर उसी से संबंधित है अभी लेसन नंबर 7, इंडिया इन द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में इंडिया कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट जो दिखा लिखा है, इंडिया हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम्स हैज वॉन 8 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन ओलंपिक्स टिल नाउ. अभी तक में 8 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में हमने जीता है हॉकी टीम ने. उसके बाद नीचे देखो चित्र दिए हुए हैं, हमारे जो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर एंड कर्णम मलेश्वरी. तो इसके नीचे देखो स्टार के लिखा है खासाबा डी यादव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन द हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था यादव ने रेसलिंग में. उसके बाद लिएंडर पेस वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द टेनिस इन द अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में. इसने लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस की गेम में. उसके बाद कर्णम मलेश्वरी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन द सिडनी ओलंपिक 2000 में इनने जीता था वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल. उसके बाद मेजर राजवर्धन सिंह राठौर वॉन द सिल्वर मेडल इन ट्रैप शूटिंग इन द एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने जीता.
उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने वॉन द गोल्ड मेडल इन द एयर शूटिंग इन द बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में उन्होंने जीता था। उसके बाद विजेंद्र सिंह वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग इन बीजिंग ओलंपिक्स 2008। उसके बाद सुशील कुमार वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन द बीजिंग ओलंपिक्स 2008 एंड द सिल्वर मेडल इन द लंदन ओलंपिक्स 2012। दो बार इन्होंने मेडल जीता। ये सुशील कुमार जो है पहलवान, अभी आपको पता होगा कि ये अभी जेल में हैं, इनके ऊपर मर्डर केस हुआ है, उसमें जेल में भी हैं अभी सुशील कुमार। इन्होंने दो बार हमारे लिए इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक बार सिल्वर मेडल। फिर और किसने किसने लंदन ओलंपिक्स में 12 में मेडल जीता, तो विजय कुमार वॉन द सिल्वर फॉर शूटिंग, गगन नारंग वॉन द ब्रॉन्ज फॉर शूटिंग, सानिया नेहवाल वॉन द ब्रॉन्ज फॉर बैडमिंटन एंड मैरी कॉम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर बॉक्सिंग एंड योगेश्वर दत्त वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर रेसलिंग। योगेश्वर दत्त और एथलेटिक्स ने जो 2016 के ओलंपिक में जीता उसमें पी वी सिंधु वॉन द सिल्वर इन बैडमिंटन एंड साक्षी मलिक वॉन द ब्रॉन्ज फ्री स्टाइल रेसलिंग में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सॉरी ये यहाँ पे बताना भूल गया था खुलना। तो ये वो खिलाड़ी है जो अभिनव बिंद्रा वॉन द गोल्ड मेडल इन एयर शूटिंग, विजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग 2008, सुशील कुमार वॉन द ब्रॉन्ज मेडल बीजिंग ओलंपिक्स 2008 एंड सिल्वर मेडल इन 2012। उसके बाद 12 में और कौन कौन ने जीता, आदर्श वो मेडल इन द लंदन ओलंपिक, तो वो बताया मैंने, विजय कुमार वॉन द सिल्वर फॉर शूटिंग, गगन नारंग वॉन द ब्रॉन्ज फॉर शूटिंग, सानिया नेहवाल वॉन ब्रॉन्ज फॉर बैडमिंटन, मैरी कॉम वॉन द ब्रॉन्ज फॉर बॉक्सिंग, योगेश्वर दत्त वॉन द ब्रॉन्ज फॉर रेसलिंग एंड इसके बाद नीचे मेडल्स वॉन द इंडियन एथलेटिक्स इन द रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स 2016 में पी वी सिंधु ने जीता सिल्वर बैडमिंटन में और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी इसके बाद गेम से ही आधारित है द एशियन गेम। द एशियन गेम जो एशिया की कंट्रीज में पार्ट लेती है, तो द एशियन गेम ऑल्सो कॉल्ड द एशियाड, उसको एशियाड बोलते हैं, इज ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी फोर ईयर्स एमोंग एथलेट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। द एशियन गेम्स आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर द ओलंपिक गेम। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ी कोई गेम होती है तो वो है एशियन गेम, उसको एशियाड भी बोलते हैं। तो एशियाड में के लिए कुछ क्वेरी है इसमें, फर्स्ट है ये जो आंसर इस ब्रैकेट में दिए हुए हैं ऑरेंज कलर के बॉक्स में, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड, तो 1951 में दिल्ली में हुआ था, 1951 इन न्यू दिल्ली पहली बार। एंड नंबर सेकंड क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर वेयर द 15th एशियन गेम हेल्ड, 15वीं एशियन गेम कहाँ पे हुई, तो वो तो 2006 में इन दोहा कतर में। एंड नंबर थर्ड व्हेन एंड वेयर द 16th एशियन गेम हेल्ड, 16th एशियन गेम जो है 2010 में चाइना में हुई गुआंगझाऊ में। एंड नंबर फोर हु असाइंड द नेम एशियन गेम, ये नाम जो है उन्होंने किया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। एंड नंबर फिफ्थ विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम, पहला एशियन गेम को होस्ट करने वाली कंट्री थी वो इंडिया भारत। नंबर सिक्स व्हाट इज द मोटो ऑफ द एशियन गेम, तो एवर वन वर्ल्ड। एंड नंबर सेवन व्हाट इज द एम्बलम ऑफ एशियन गेम, उसका एम्बलम क्या है, तो राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स। एंड वो आपको लोगो दिखा होगा ऊपर। एंड नंबर एट व्हाट आर द
पुसंस एशियन गेम फेमस फॉर द फर्स्ट एशियन इन दिस मिलेनियम। यहाँ पे हमने ओलंपिक्स के बारे में जाना, भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में अपना अच्छा प्रदर्शन किया वो जाना, और एशियन गेम का कुछ क्वेरी किया। हम ये वीडियो यहीं पे पूरा करेंगे 3 लेसन के साथ, फिर अगले बार एक और गेम से संबंधित लेसन है उसके अगला, वो हम अगले वीडियो में चलाएंगे। उसके साथ और भी लेसन देंगे, उसमें जो एक होता है द कॉमनवेल्थ गेम, वो कॉमनवेल्थ गेम्स जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो भी गेम से ही आधारित है। आज इतना ही, ये जितना भी लेसन पढ़ाते हैं पढ़ा हो गया है, इसको वर्कबुक में कंप्लीट करना है और लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही।